हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेप ऑन। वी आर डिस्कसिंग मेडिवल इंडिया एंड इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अप टू अकबर। वी डिस्कस्ड हाउ मुगल एम्पायर केम इनटू बीइंग। दे फॉट बैटल्स, हुमायूं ट्राइड टू कंट्रोल द अफगान्स, ही कुड नॉट। देन अकबर वॉज देयर, ही फॉट सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। देन ही स्टार्टेड रूलिंग लाइक अ किंग हु वॉज मोर, यू कैन से, बेनिवोलेंट, इवन दो ही वॉज एन एम्परर एंड सिंपली मीन्स दैट ही ऑल्सो वॉन्टेड टू एक्वायर मोर एंड मोर टेरिटरीज। स्टिल गुड नंबर ऑफ रिफॉर्म्स आर इन हिज नेम। अकबर डाइड, अकबर वॉज फॉलोड बाई हिज सन जहांगीर। जहांगीर वॉज देयर एंड जहांगीर फॉलोड दिस पर्टिकुलर थिंग। और जहांगीर के समय सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये हो जाता है कि कल्चर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, दूसरा ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एडवेंट हो जाता है, आगमन हो जाता है, और एक यू कैन से वेरियस कंपनीज स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया, एक नया अध्याय सा शुरू हो जाएगा। देन दिस जहांगीर डाइड एंड जहांगीर के समय बहुत पावरफुल हो चुकी थी उसकी एम्प्रेस नूरजहां। सो शी वॉज, ये भी कह दिया जाता है कि शी वॉज रादर अ रूलर, उसकी रिट चलती थी, मतलब उसका कहना चलता था। तो कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए, रेयर क्वेश्चन है कि मुगलों के समय कोई एम्प्रेस हुआ करती थी, शी हू रूल्ड ऑल्सो, तो यू कैन सेफली मार्क नूरजहां। शी यूज़ टू रूल ऑल्सो, शी हैड ए इम्पॉर्टेंट से इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ जहांगीर। सो जहांगीर डाइड एंड जहांगीर वॉज फॉलोड बाई हिज सन शाहजहां। हिज सन खुर्रम बिकेम शाहजहां। शाहजहां'स पीरियड इज मोर नोन फॉर कल्चर, इवन दो पॉलिटिकली जाने तो बस इतना जान लीजिए कि मैंने आपको बताया था कि बहमनी किंगडम से टूट के पांच किंगडम बने थे, तीन बड़े और दो छोटे, अहमदनगर, बीजापुर, गुलगुंडा और छोटे छोटे बरार और बीदर। उनमें अहमदनगर का कुछ हिस्सा तो अकबर ने कैप्चर कर लिया था व्हेन हिज आर्मी फॉट बैटल अगेंस्ट चांद बीबी, लेकिन होल ऑफ अहमदनगर वॉज कैप्चर्ड बाई शाहजहां ने अहमदनगर कैप्चर किया है, और जो बीजापुर गोलकुंडा है उनको वो सब्जुगेशन कर देता है, मतलब अपने डोमिनेशन में ले लेगा, लेकिन अभी वो टेरिटोरियल कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अहमदनगर कंट्रोल हो चुका है। तो शाहजहां ने उधर नॉर्थ वेस्ट इंडिया से लेकर, बंगाल से लेकर और नॉर्थ इंडिया से लेकर और दक्कन में अहमदनगर तक के सारे एरियाज़ को कैप्चर कर लिया है। साउथ इंडिया इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है, और साउथ में साउथ की प्रॉब्लम्स को देखने के लिए उसने यहाँ पर औरंगजेब को गवर्नर बनाया है। साउथ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, मोहम्मद तुगलक को भी फेस करनी पड़ी हैं, मुगलों को भी फेस करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर औरंगजेब को उसने गवर्नर बना के भेजा है, बाकी शाहजहां की चीज़ें हम नहीं ले रहे हैं पॉलिटिकल, औरंगजेब को गवर्नर बना के भेजा है। औरंगजेब यहाँ पर बड़ी कैपेबली काम करेगा और साउथ इंडिया की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर देगा। लेकिन जब ये शाहजहां औरंगजेब दक्कन में हुआ करता है, तभी दारा शिकोह जो उसका बड़ा भाई है उसको ही एम्परर बनना है, और औरंगजेब की जो दक्कन का एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें दारा शिकोह का हस्तक्षेप ज़्यादा है, और साउथ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, बीजापुर गोलकुंडा दो राज्य है उनमें प्रॉब्लम है, और मराठास का भी एक ग्रेजुअल राइज होने लगा है। शाहजी भोसले, फादर ऑफ शिवाजी के तौर पे एक छोटी मोटी ताकत के तौर पे डेवलपमेंट हो रहा है। तो औरंगजेब उनको सबको कंट्रोल में रखेगा, लेकिन जब औरंगजेब को ये पता लगता है कि दारा शिकोह, ओबियसली दारा शिकोह वॉज टू बिकम एम्परर, और दारा शिकोह कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है अगेंस्ट मी, देन औरंगजेब अंडर सर्टेन थ्योरी ऑफ होम, अपनी किसी थ्योरी के तहत वो रिवोल्ट कर देता है। जब उसको पता लगता है कि शाहजहां इज नो मोर एंड वॉट एवर ऑर्डर्स आर कमिंग फ्रॉम आगरा दे आर ड्यूप्लीकेटेडली साइंड बाई दारा शिकोह, मतलब वो छुपा रहे हैं और शायद वो और नोबल्स को अपने कंट्रोल में कर रहा है, और जब दारा शिकोह एम्परर बनेगा तो मेरा बचना मुश्किल है। ये उसने एक थ्योरी बनाई है और रिवोल्ट कर देता है, मतलब ही स्टार्टेड विद एन आर्मी टूवर्ड्स आगरा टू टेक द कंट्रोल। सो 1658 में जब शाहजहां वॉज वेरी मच अलाइव, और जब शाहजहां को पता लगता है कि दक्कन से रिवोल्ट हो गया है, तो शाहजहां ने आर्मी भेजी है आगरा से, और उज्जैन के
औरंगज़ेब की आर्मी को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, रोकने की कोशिश की जाती है, इसे कहते हैं बैटल ऑफ धर्मत। बैटल ऑफ धर्मत। तो जसवंत सिंह मारवाड़ के राजा हैं, मारवाड़ के राजा हैं, वो मुग़ल आर्मी को लीड करके जाते हैं और औरंगज़ेब से लड़ाई होती है। मुग़ल आर्मी को लीड कर रहे हैं राजपूत राजा जसवंत सिंह, जोधपुर कैपिटल है उनकी, मारवाड़ उनका किंगडम है, और धर्मत उज्जैन के पास धर्मत की बैटल होती है। मुग़ल आर्मी वॉज डिफीटेड। औरंगज़ेब आगरा पहुँच जाता है, तो यहाँ पर फिर होती है आगरा से थोड़ा पहले बैटल ऑफ सामूगढ़, और इस बैटल में फिर दारा शिकोही मुग़ल आर्मी का लीडर बन के आता है, सेनापति बन के आता है। और ओबियसली औरंगज़ेब वॉज वेरी केपेबल, यू कैन से वॉरियर, और यू कैन से मिलिट्री लीडर। दारा शिको वॉज अ लिटरेरी पर्सन। दारा शिको वॉज डिफीटेड एंड औरंगज़ेब अगेन डिफीटेड मुग़ल आर्मी। दिस टाइम ही फॉट अगेंस्ट हिज ओन ब्रदर। एंड आफ्टर डिफीटिंग दारा शिको इन 1658, औरंगज़ेब कैप्चर्ड आगरा फोर्ट एंड हिमसेल्फ बिकेम मुग़ल एम्परर। शाहजहाँ को वो इम्प्रिजन कर देता है, अपने फादर को कैप्टिविटी में ले लेगा। दारा शिको रैन अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड। समहाउ दारा शिको वॉज कॉट। कुछ समय बाद दारा शिको को वो पकड़वा लेगा एंड दारा शिको वॉज यू कैन से वॉज किल्ड, रादर ही वॉज गिवन डेथ सेंटेंस। 1659 में दिल्ली में दारा शिको को डेथ सेंटेंस दे दिया गया। दारा शिको ने जो भी बोला है वो इस्लाम के खिलाफ है, ऐसा उस पर इल्ज़ाम लगाया गया है। दारा शिको सोफिस्टिक माइंडसेट का व्यक्ति है। वो कहता था हिंदुइज्म और इस्लाम दो पानी की धाराओं के तरीके से हैं, आगे जाके इनका मिल जाना लाजमी है, मिल ही जाएंगे। तो उसने इसको इस्लाम के खिलाफ बताया है, और एक्शंस के लिए दारा शिको को उसने हटा दिया है। उसके और ब्रदर्स भी जो हैं, मुराद है और शुजा है, वो भी एलिमिनेट हो जाते हैं। और जब वो 1659 में अपने बड़े भाई को डेथ सेंटेंस दिल्ली के काजी से दिलवा देगा, तब वो अपना राज अभिषेक दोबारा करेगा। तो कभी किसी एग्जाम में आ जाए कि किस मुग़ल एम्परर ने दो राज अभिषेक किए, तो आपका आंसर हो जाएगा औरंगज़ेब। वंस व्हेन ही कैप्चर्ड आगरा फोर्ट, अनदर व्हेन ही गॉट किल्ड दारा शिकोह। सो नेक्स्ट मुग़ल एम्परर इज दारा शिकोह, आई मीन औरंगज़ेब। औरंगज़ेब औरंगज़ेब वॉज फॉलोअर ऑफ, यू कैन से स्ट्रिक्ट फॉलोअर ऑफ हिज रिलीजन एंड हाईली ओबीडियंट फॉलोअर ऑफ हिज रिलीजन, एंड ही वॉन्टेड स्ट्रिक्ट ओबीडियंस ऑफ इस्लामिक लॉज। ये उसका थॉट था, और उसका जो थॉट था वो उसके एक्शंस में दिखाई देता है। इसलिए बताया जाता है कि औरंगज़ेब ने अपने कुछ एक्शन से, सभी एक्शन से नहीं, कुछ एक्शन से उन सारे ग्रुप्स को अपने से दूर कर दिया जिनके सपोर्ट पे खड़ी हुई थी मुग़ल एम्पायर। तो उसने फिर इस थॉट के तहत काम किया है, वो सारे एक्शंस किए हैं जिससे बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप उसके दूर जाने लगेंगे। उसने कुछ समय बाद जजिया दोबारा लागू कर दिया है। अकबर ने हटा दिया था, जहांगीर और शाहजहां ने भी लागू नहीं किया है, लेकिन इसने जजिया दोबारा लागू कर दिया है। और जब जजिया लागू कर दिया है तो ओबियसली जो मुग़लों के सपोर्ट में सबसे बड़ा ग्रुप हुआ करता था राजपूत, वो दूर जाने लगेंगे। राजपूत जजिया के रीइम्पोजिशन को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से थोड़ा विद्रोह सा होने लगेगा। उसने जजिया रीइम्पोज कर दिया है। ही बैंड नवरोज़ फेस्टिवल। आपको याद होगा बलबन ने ये बताने के लिए कि मैं ईरान से हूँ, ईरानी कल्चर भारत में इंट्रोड्यूस कर दिया था, और नवरोज़ फेस्टिवल पर्शियन कैलेंडर पार्क फारसी न्यू ईयर का पहला दिन उसने शुरू किया था। नवरोज़ क्योंकि शिया फेस्टिवल है, शिया औरंगज़ेब सुन्नी इस्लाम फॉलो करता है, और कोई भी वो
चीज़ जो मेरे मुताबिक नहीं है वो चलेगी नहीं। उसने नवरोज़ फेस्टिवल बैन कर दिया है, और जबकि मुग़ल नोबिलिटी में बहुत सारे पर्शियन नोबल्स भी उसके साथ हैं, होते हैं, वो भी एक तरीके से उनका बड़ा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल पर्शियन फेस्टिवल है, उसको भी वो ख़त्म कर देता है। औरंगज़ेब सिखों के नवे गुरु हैं, गुरु तेग बहादुर, उनका वध करवा देगा दिल्ली में चांदनी चौक में। गुरु का वध करवा देता है, नवे गुरु का वध करवा देता है औरंगज़ेब। पांचवें गुरु का जहांगीर ने करवाया था, और तभी से मुग़लों और सिखों की एक मिलिट्री कन्फ्लिक्ट भी शुरू हो गई है। और उसका क्लाइमैक्स ये है जब गुरु तेग बहादुर, उन नवे गुरु हैं, उनका वध करवा देगा दिल्ली में चांदनी चौक में, जहाँ पर गुरु का शीश काटा गया था वहीं पर आजकल बना दिया गया था गुरुद्वारा शीशगंज इन दिल्ली। तो गुरु नवे गुरु का 1675 में वो वध करवा देता है। रिलीजन प्रोपगेशन है और कन्वर्जन है, मतलब रिलीजियस मुद्दों के लेकर उसने गुरु तेग बहादुर का वध करवा दिया है 1675 में। डेट नॉट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद फिर अगले गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। टेंथ गुरु हैं और आखिरी गुरु हैं। गुरु गोविंद सिंह कह देते हैं कि आई एम लास्ट ऑफ द गुरुस। ये गुरु परंपरा बंद की जाती है। आज के बाद जो हमारी होली बुक है वही गुरु होगी। और नाम पड़ गया आदि ग्रंथ का गुरु ग्रंथ साहिब। तो सिखों में 11 गुरु होते हैं, 10 ह्यूमन गुरुज, और 11वें गुरु हैं गुरु ग्रंथ साहिब। ये 10वें गुरु हुआ करते हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह 1708 में इनकी डेथ हो जाएगी, तब से गुरु परंपरा भी ख़त्म हो जाएगी। इन्होंने फोर्ट ऑफ लोहगढ़ बनवाया था पंजाब में, फोर्ट ऑफ लोहगढ़, बस इतना लिख लीजिए। आगे चलकर ये कैपिटल भी बन जाएगा सिखों का। तो यहाँ से लोहगढ़ का फोर्ट भी गुरु गोविंद सिंह बनवा देते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह अब तक क्या था, गुरु ही सिखों के धार्मिक गुरु लीडर्स तो होते ही हैं, मिलिट्री लीडर भी हुआ करते हैं, लेकिन जब गुरु परंपरा को ख़त्म कर देते हैं, इनकी डेथ हो जाती है, इसके बाद फिर सिखों को लीड करते हैं बंदा बहादुर। ये गुरु नहीं है, लेकिन गुरुओं के बाद सिखों को लीड किया है बंदा बहादुर। और 1516 में इनको इनका वध करवा दिया है। आगे चल के एक मुग़ल एम्परर होगा फर्रुख सियार। औरंगज़ेब के बाद चौथा मुग़ल एम्परर था फर्रुख सियार। फर्रुख सियार गॉट किल्ड बंदा बहादुर। तो 1716-15 के आसपास बंदा बहादुर की डेथ हो जाएगी। सिख डिक्लाइन पे आ जाएंगे, कई दलों में बढ़ जाएंगे, मिसलों में बढ़ जाएंगे। दल को मिसल कहते हैं, एक कम्युनिटी कह लीजिए, 12 मिसलों में बढ़ जाएंगे। उन्हीं में एक मिसल होती है, एक कम्युनिटी होती है सुखर चकिया कम्युनिटी मिसल। सुखर चकिया के ही एक लीडर हैं रंजीत सिंह। आगे चल के रंजीत सिंह बहुत बड़ा किंगडम बनाएंगे और पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया को, पंजाब, कश्मीर, पाकिस्तान का पंजाब, इंडिया का पंजाब, ये पूरा हो जाएगा किंगडम ऑफ पंजाब इन द टाइम ऑफ रंजीत सिंह। तो इसके बाद डिक्लाइन है सिखों का, रंजीत सिंह फिर एक बहुत बड़ा किंगडम बना देंगे। तो ये थोड़ा बहुत सिखों के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो गुरु तेग बहादुर का ये वध करवा देगा औरंगज़ेब। उधर औरंगज़ेब दक्कन प्रॉब्लम्स से भी जूझने लगता है। दक्कन में दो समस्याएं हैं, एक तो मराठास और एक दो राज्य हैं बीजापुर एंड गोलकुंडा। जागीरदारी क्राइसिस तीसरी समस्या है, बट आपके लिए दो समस्या सफिशिएंट। दो समस्या हैं मराठास, अब शिवाजी, शाहजी भोसले के बेटे शिवाजी हैज़ बिकम वेरी वेरी पावरफुल। बीजापुर गोलकुंडा, औरंगज़ेब आगरा से बैठ के
दक्कन समस्याओं का हल करने की कोशिश करेगा, आर्मी भेजेगा, अच्छे अच्छे केपेबल गवर्नर अपॉइंट करेगा, लेकिन वो नहीं हो पाता है। इसलिए 1680 में औरंगज़ेब खुद ही औरंगाबाद आ जाएगा और दक्कन की समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। बीजापुर और गोलकुंडा को तो वो कैप्चर कर लेगा, लेकिन मराठा समस्या का वो हल नहीं कर पाएगा। उसने बड़ी कोशिश की है कि वो दक्कन में रह के वहीं पर अपना कैपिटल बनाकर, हेडक्वार्टर बनाकर वो दक्कन प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, लेकिन वो नहीं कर पाएगा। दक्कन समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करते हुए 1707 में उसकी डेथ हो जाती है। मतलब वो एक बार जब औरंगाबाद आया था तो आगरा वापस नहीं जा पाता है, औरंगज़ेब की डेथ हो जाएगी। तो कहते हैं एज स्पेनिश अल्सर किल्ड नेपोलियन, आगे चलकर नेपोलियन होगा, जैसे स्पेन की समस्या ने नेपोलियन की डेथ का कारण बनी थी, ऐसे ही डेक्कन अल्सर किल्ड औरंगज़ेब कहा जाता है। दक्कन की समस्याओं से कभी वो नहीं पार पा पाया था और दक्कन में उनको सॉल्व करते करते उसकी डेथ हो जाती है। मराठा समस्या वो कभी सॉल्व नहीं कर पाएगा। डेक्कन अल्सर किल्ड औरंगज़ेब एज स्पेनिश अल्सर किल्ड नेपोलियन, दक्कन अल्सर में उसकी डेथ हो जाती है, औरंगज़ेब की डेथ हो गई है। औरंगज़ेब के बाद वाले मुग़ल एम्परर्स कहलाते हैं लेटर मुगल्स। औरंगज़ेब को एक खास बात यह भी है कि वो, उसको हिस्टोरियंस ने लिविंग सेंट भी कहा है। उसकी जो पर्सनल लाइफ है वो काफ़ी सिंपल है, एम्परर्स जैसी नहीं है। धर्म को लेके थोड़ा सा वो यू कैन से अलग नेचर का है, अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेटिवली या अदरवाइज ही वॉज यू कैन से केपेबल पर्सन। तो उसकी पर्सनल लाइफ बहुत सेंटली थी, तो उसको बोला गया ही वॉज लिविंग लाइक अ जिंदा पीर और लिविंग सेंट। एक पहलू उसका ये भी है पर्सनैलिटी का। औरंगज़ेब शाहजहाँ के समय भारत का वर्ल्ड व्यापार में करीब 25% शेयर हुआ करता था, बहुत तभी अंग्रेज़ और विदेशी कंपनियाँ यहाँ पर आई थी। तो दिस वे औरंगज़ेब डाइड। और बाद के मुग़ल एम्परर्स कहलाते हैं लेटर मुगल्स। बहादुर शाह वन से लेकर बहादुर शाह जफ़र, ये कहलाते हैं लेटर मुगल्स। नाउ मुग़लों का कल्चर अकबर के समय, बाबर की डेथ हो जाती है और बाबर फिर काबुल में उसका टोम बनता है, वहाँ दफना देते हैं उसे। अकबर के समय को डेवलपमेंट होता है, अकबर के समय बनता है हुमायूंस टॉम्ब इन दिल्ली। अकबर के समय बनता है हुमायूं का मकबरा इन दिल्ली। हुमायूं का मकबरा का जो पैटर्न है वही ताजमहल में फॉलो होता है। हुमायूं का मकबरा हुमायूंस वाइफ हज्जी बेगम के सुपरविज़न में अकबर के समय बनता है। मुग़ल आर्किटेक्चर की पहली इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मानी जाती है हुमायूं का मकबरा इन दिल्ली, जिसमें पहली बार वाइट मार्बल का इस्तेमाल होता है। ताजमहल में बढ़ चढ़ के हुआ है, यहाँ वाइट मार्बल का इस्तेमाल हो जाता है। अकबर ने बनवाए हैं रेड फोर्ट्स आगरा, अलाहाबाद, लाहौर, गंगा के बैंक पर अलाहाबाद लाल किला छोटा सा बनवाता है, आगरा किला तो उसकी कैपिटल ही है, लाहौर में बनवाया है, और प्रयाग का नाम रख देता है अल्लाहाबाद। अकबर ने शहर का नाम अल्लाहाबाद रख दिया था, इलाहाबाद या अल्लाहाबाद, इसका नाम प्रयाग था जो वापस प्रयाग कर दिया गया है। तो उसने लाल किले बनवाए हैं, आगरा का लाल किला उस कैपिटल ही है, वो बनवाता है। उसने अपनी बहुत इम्पॉर्टेंट पैलेस बनवाई है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंट रहते हैं, शेख सलीम चिश्ती, सूफ़ी सेंट हैं। क्योंकि सीकरी गांव एक सूफ़ी सेंट का गांव है, इसलिए अकबर ने अपनी पैलेस वहां बनवाई है फतेहपुर सीकरी आगरा के पास, और यहां से कुछ समय रूल भी किया है। फतेहपुर सीकरी कल्चर का बड़ा इम्पॉर्टेंट केंद्र है मुग़लों का। यहीं पर कुछ बिल्डिंग्स हैं जैसे कि बुलंद दरवाज़ा,
बुलंद दरवाज़ा बनवाता है अकबर, गुजरात पे जब उसने कैप्चर किया था 1572-73 में, जब वो गुजरात कैप्चर करता है उस उपलक्ष्य में बनवाता है बुलंद दरवाज़ा। विच बिल्डिंग ऑफ फतेहपुर सीकरी सिंबलाइज अकबर्स विक्ट्री ओवर गुजरात, तो आप बोलेंगे बुलंद दरवाज़ा बनवा देता है यहाँ पर। फतेहपुर सीकरी में ओबियसली जामी मॉस बनवाता है वो, जामा मस्जिद यहीं पर उसने फतेहपुर सीकरी में ही बनवाया है पंचमहल, यही बनवा देता है वो पंचमहल। पांच फ्लोर्स हैं इसकी और विड्थ कम होती चली जाती है, पंचमहल बनवा देता है यहाँ पर। यहीं पर फतेहपुर सीकरी में बीरबल्स हाउस भी है, बीरबल का मकान। बीरबल अकबर के समय का एक नोबल है जिसका रियल नाम था महेश दास, अकबर ने नाम दिया है राजा बीरबल महेश दास। बीरबल हाउस, जोधाबाई पैलेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारी बिल्डिंग यहाँ पर अकबर ने बनवाई हैं। पंचमहल है, बीरबल का हाउस है, बीरबल का रियल नाम महेश दास था। बुलंद दरवाज़ा बनवाता है गुजरात विक्ट्री के उपलक्ष्य में। शेख सलीम चिश्ती का टॉम्ब भी यहीं पर ऑब्वियसली होगा, शेख सलीम चिश्ती का टॉम्ब भी यहीं पर है। शेख सलीम चिश्ती को सारे मुग़ल एम्परर अपना पैटर्न सेंट मानते थे, सभी उनको रिकग्नाइज करते हैं। तो फतेहपुर सीकरी अकबर डेवलप करता है। अकबर ने अपना टॉम्ब बनवा दिया है आगरा के सिकंदरा में, जिसको कंप्लीट करा देता है जहांगीर। अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदरा में है, अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदरा में है। जहांगीर ने आगरा में बनवाया है टॉम्ब ऑफ इति मादुद्दौला। नूरजहां के फादर हैं, जहांगीर के समय एक इम्पॉर्टेंट नोबल हैं, मिर्ज़ा गयास बेग, इनका टाइटल है एतमाउद्दौला। आगरा में बड़ी इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है एतमाउद्दौला, टॉम्ब ऑफ इति मादुद्दौला बनता है जहांगीर के समय आगरा में, नूरजहां ने बनवाया है अपने फादर के लिए। यहाँ पर मुग़लों की एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है पीतरा द्यूरा। पीतरा द्यूरा का मतलब है जो सफ़ेद मार्बल है या मार्बल है उसमें कुछ डिज़ाइनें वगैरह बनाकर, ग्रूव काट कर उसमें जो महंगे महंगे पत्थर जड़ दिए जाते थे, मतलब कोई फूलों की डिज़ाइन बनाई और महंगे पत्थर जड़ दिए उस डिज़ाइन के अंदर, इसे कहते हैं पीतरा द्यूरा। ताजमहल में बहुत बड़ा इस्तेमाल हुआ पीतरा द्यूरा का, और पहला इस्तेमाल होता है इन द टॉम्ब ऑफ इतिमादुद्दौला इन द टाइम ऑफ जहांगीर। आगरा में बनवाता है वो, उसके समय बनता है टॉम्ब ऑफ इतिमादुद्दौला, फर्स्ट यूज़ ऑफ पीतरा द्यूरा, एन इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू कैन आर्ट वर्क इन द टाइम ऑफ मुगल से। पीतरा द्यूरा मतलब मार्बल पत्थर पर डिज़ाइनें काट कर उसमें महंगे पत्थर भर देना कहलाता था पीतरा द्यूरा। जहांगीर का टॉम्ब लाहौर में बनवाया गया, जहांगीर का टॉम्ब लाहौर में बनवाया गया। शाहजहां का पीरियड गोल्डन एज कहलाता है मेडिवल इंडिया का, ओबियसली बिकॉज ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट्स और सबसे पहले आर्किटेक्चर ओबियसली। शाहजहां कंस्ट्रक्टेड रेड फोर्ट इन दिल्ली, दिल्ली में वो लाल किला बनवा देता है, दिल्ली का लाल किला, और यहाँ से कुछ साल उसने रूल भी किया है। दिल्ली का नाम इन दिनों शाहजहानाबाद है, वो जो पुरानी दिल्ली है, जो एरिया है चांदनी चौक वाला जहाँ लाल किला है, वो शाहजहाँ की कैपिटल भी था कुछ समय के लिए, उसे शाहजहानाबाद कह देते हैं। दिल्ली का लाल किला बनवाता है ये शाहजहाँ, और कुछ समय यहाँ से रूल भी करता है। यहीं पर उसने बनवाई है जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहाँ बनवा देता है, दिल्ली की जामा मस्जिद। उसने बनवाया है टॉम्ब ऑफ हिज एम्प्रेस मुमताज, ताजमहल 1632 में
डेथ हुई थी मुमताज़ महल की, और मुमताज़ महल की डेथ तो हुई थी बुरहानपुर में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है ये। बाय द वे मैं आपको बताई दे रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम में शायद ना आए लेकिन किसी और एग्ज़ाम में टकरा जाएगा। बुरहानपुर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बॉर्डर है पर है, यहीं पे मुमताज़ की डेथ हुई थी। पहले टॉम्ब यहाँ बनना था, फिर आगरा में बना, राजपूत राजाओं ने ज़मीन डोनेट की है, वहीं पर शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया। 1632 में शुरू हुआ, 54 में ये ख़त्म हो जाता है, बन के तैयार हो जाता है। ऑब्वियसली यू नो एवरीथिंग अबाउट इट, ताजमहल इज़ इन वाइट मार्बल, मेन स्ट्रक्चर इज़ स्क्वायर इन शेप, सेंट्रल स्ट्रक्चर इज़ ऑक्टागोनल इन शेप, ये सब आपको पता है। लार्ज स्केल यूज़ ऑफ पीतरा दियुरा, आपको बाय द वे बता दिया, आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ताजमहल इज़ टॉम्ब ऑफ मुमताज़, और आगे चल के शाहजहाँ की डेथ होगी तो शाहजहाँ को भी ताजमहल में ही दफना दिया जाएगा। यमुना के बैंक पर बनवा देते हैं, वो बनवा देता है ताजमहल, टॉम्ब ऑफ मुमताज़ लेटर ऑन शाहजहाँ एज वेल। वाइट मार्बल का है, स्क्वायर है, सेंट्रल स्ट्रक्चर उसका ऑक्टागोनल है, डोम बना हुआ है। तो दिस वॉज शाहजहाँ ने बनवाई है मोती मस्जिद आगरा फोर्ट में। आगरा का जो लाल किला है उसके अंदर एक सफ़ेद वाइट मोती मस्जिद है, तो उसे मोती मस्जिद कहते हैं, पर्ल मॉस्क। आगरा फोर्ट के अंदर, आगरा फोर्ट बनवाया अकबर ने, लेकिन उसके अंदर जो पर्ल मॉस्क है वो बनवाया शाहजहाँ ने, शाहजहाँ कंस्ट्रक्टेड मोती मस्जिद। औरंगज़ेब का बहुत ज़्यादा योगदान आर्किटेक्चर में नहीं है, औरंगज़ेब ने बनवाया है अपनी एम्प्रेस बीबी का मकबरा इन औरंगाबाद। क्योंकि ये ताजमहल की नकल के तौर पे बनवाया गया है, इसलिए इसको सेकंड ताज, दूसरा ताज भी कह देते हैं। देखने में ताजमहल जैसा है इसलिए इसको दूसरा ताज भी कहते हैं। अपनी वाइफ रबिया के नाम लिए उसने बनवाया है औरंगाबाद में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, सेकंड ताज भी बोल देते हैं। औरंगज़ेब ने बनवाया है एक और मोती मस्जिद पर्ल मॉस्क, ये दिल्ली के लाल किले में है। आपको याद रखना है दो मोती मस्जिद हैं, एक आगरा किले के अंदर है वो बनवाता है शाहजहाँ, एक दिल्ली के किले के अंदर है बनवाता है औरंगज़ेब। दिल्ली का लाल किला बनवाता है औरंगज़ेब, लेकिन इसके अंदर मोती मस्जिद, दिल्ली का लाल किला बनवाता है शाहजहाँ लेकिन मोती मस्जिद बनवा देता है औरंगज़ेब। तो दिस वॉज द आर्किटेक्चर दे कंस्ट्रक्टेड, जो बड़े फेमस हैं। बुक्स वगैरह लिखी गई हैं बहुत सारी मुग़लों के समय में। अकबर ने कुछ कराए हैं इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशंस इनटू पर्शियन, जैसे कि अकबर के समय रामायण और महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन होता है। अकबर अंडरटुक द ट्रांसलेशन ऑफ रामायण एंड महाभारत, उसने रामायण और महाभारत का फारसी अनुवाद करवाया है। उसने पंचतंत्र का फारसी अनुवाद करवाया है, रामायण महाभारत का करवा देगा, लीलावती का करवा देगा, मैंने आपको बताया था। तो कई सारी किताबों का उसने अनुवाद भी करवाया है। अकबर की सबसे इम्पॉर्टेंट बायोग्राफी है अकबरनामा, रिटन बाय अबुल फजल। अकबर की सबसे इम्पॉर्टेंट बायोग्राफी है, ये तो ट्रांसलेशन थे, फिर अकबरनामा उसकी बायोग्राफी है, फारसी में लिखी है अबुल फजल ने। अकबरनामा में ही एक किताब है आईने अकबरी। अकबरनामा के तीन वॉल्यूम हैं, जो उसका थर्ड वॉल्यूम है वो कहलाता है आईने अकबरी, मुग़लों की बड़ी इंपॉर्टेंट किताब। जैसे अर्थशास्त्र है मौर्यों के लिए, ऐसी अबुल फजल की किताब है आईने अकबरी, अकबर की
बायोग्राफी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोग्राफी। बहुत सारी किताबें हैं मुगलों की, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बहुत सारी हो जाएंगी। जहांगीर ऑल्सो रोट हिज ऑटोबायोग्राफी तुजुक ए जहांगीरी, ए मुगल एम्परर हु रोट हिज ऑटोबायोग्राफी वॉज बाबर हु रोट बाबरनामा, जहांगीर रोट तुजुके जहांगीरी, बाबर रोट तुजुके बाबरी तुर्की में, बाबरनामा तो रहीम ने किया था, तुजुके जहांगीरी बाई जहांगीर। तो मुगल एम्परर्स की बहुत सारी बायोग्राफीज हैं, ट्रांसलेशंस हैं, गुड नंबर ऑफ बुक्स आर देयर, और फॉर योर लेवल नॉट रिक्वायर्ड। अकबरनामा का थर्ड वॉल्यूम आईने अकबरी। मुगल पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है पेंटिंग्स के लिए, मुगल पेंटिंग्स, क्योंकि चित्रों को छोटे साइज में दिखाया गया है इसलिए उनको मिनिएचर पेंटिंग्स भी कह देते हैं। किसकी पेंटिंग्स को मिनिएचर पेंटिंग्स कहा जाता है? आपका आंसर हो जाएगा मुगल। चित्रों को छोटे छोटे साइज में दिखाया गया है तो उनको मिनिएचर पेंटिंग्स भी कह देते हैं, मिनिएचर्स और मिनिएचर पेंटिंग्स। बेस्ट पीरियड इसमें होता है जहांगीर का, ये क्वेश्चन बहुत आता है। जहांगीर का पीरियड मुगल पीरियड का बेस्ट पीरियड माना जाता है पेंटिंग का, जहांगीर का पीरियड। हिमसेल्फ हैड वेरी गुड नॉलेज, विच मुगल एम्परर हैड वेरी गुड नॉलेज ऑफ पेंटिंग? तो आपका आंसर हो जाएगा जहांगीर, हिमसेल्फ हैड वेरी गुड नॉलेज। इसके समय सबसे इंपॉर्टेंट पेंटर होता था मंसूर, द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ मुगल पेंटिंग सिस्टम वॉज मंसूर हु लिव्ड इन द टाइम ऑफ जहांगीर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि कौन सा पेंटर था जो नेचुरल सीन्स को बनाने में माहिर था, ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा मंसूर। मंसूर हिम्स वॉज वेरी वेरी एक्सपर्ट, ही वॉज एक्सपर्ट इन पिक्चराइजिंग पेंटिंग नेचुरल सीन्स। विच मुगल एम्परर यूज टू से गिव मी एनी पेंटिंग आई कैन टेल विच पार्ट हैज बीन पेंटेड बाई विच पेंटर? आपका आंसर हो जाएगा जहांगीर, वो खुद नॉलेज रखता है पेंटिंग की। थॉमस रो जो वो ईस्ट इंडिया कंपनी से आया था, उसने 6 पेंटिंग जहांगीर के सामने रख दी, एक ओरिजिनल और 5 डुप्लीकेट, जहांगीर कुड टेल दिस इज द ओरिजिनल पेंटिंग, तो ही वॉज अ वेरी वेरी हिमसेल्फ गुड नॉलेज ऑफ पेंटिंग। तो पेंटिंग के लिए जहांगीर जाना जाता है, दिस वॉज जहांगीर। म्यूजिक, म्यूजिक अकबर के समय हुआ राम तनु पांडे कॉल्ड तानसेन, राम तनु को तानसेन, अकबर के समय तानसेन राम तनु पांडे, ही वॉज सिंगर ऑफ ध्रुपद, ध्रुपद ग्वालियर जिसका सेंटर है, बाबा हरिदास का शिष्य है वो, ही वॉज शिष्य ऑफ बाबा हरिदास, जिन्होंने वृंदावन बसाया, हरिदास का शिष्य है तानसेन राम तनु तानसेन, ग्वालियर का है शिष्य है, बहुत सारे राग बना देता है, राग दरबारी, राग मेघ मल्हार, राग दीपक, मैनी मोर राग वगैरह बनाता है। ग्वालियर में इसका टॉम्ब बना हुआ है, वहाँ पर क्लासिकल म्यूज़िक के फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, तानसेन का टॉम्ब बना है ग्वालियर में। इन्हीं दिनों एक और होता है सिंगर बैजू बावरा, वो भी ग्वालियर का है, ध्रुपद गायन शैली का ही सिंगर है, ही वॉज एज केपेबल एज वॉज तानसेन। तो एक बैजू बावरा भी इन्हीं दिनों हुआ है। तो इट वॉज म्यूजिक इन द टाइम ऑफ औरंगजेब, विच मुगल एम्परर फॉरबेड म्यूजिक? तो आपका आंसर हो जाएगा औरंगजेब डिड नॉट अलाउ म्यूजिक बिकॉज म्यूजिक इज अन इस्लामिक। तो म्यूजिक में कुछ ये हो जाता है, अकबर ने इसको सपोर्ट किया है। तो तानसेन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द टाइम ऑफ मुगल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट मुगल्स, ये मुगलों के बारे में है।
सो दिस कम्प्लीट्स मुगल। अब एक लेक्चर और लेंगे, उसमें फिर जो और छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं वो भी कंप्लीट कर लेंगे। दिस वे मेडिवल इंडिया आपके लेवल के लिए ख़त्म हो जाएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।